श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। जय साईराम। तो चलिए फ्रेंड्स, आज देखते हैं जब हम लोग प्रोटूल्स में एक नया सेशन रिकॉर्ड करेंगे तो किस तरह से हमको वो सेशन को तैयार करना है। पहले तो आपका जो विंडोज़ है उसके अंदर जो प्रोटूल्स का जो शॉर्टकट की आप देख रहे हो उस पर क्लिक करने के बाद ऐसे एक पेज आपके सामने आ जाएगा। तो ये पेज आने के बाद आपको तय करना है कि आपका ऑडियो जो हार्डवेयर है उसको आप चेक कर लीजिए, ऑडियो हार्डवेयर वहाँ पर सिलेक्ट है कि नहीं। जैसे हमारा इधर पर ऑडियो हार्डवेयर जो है ये है स्टूडियो लैब का ऑडियो हार्डवेयर। तो आपके पास अगर मोटू हो या साउंड ट्रैक का कोई है या एलएसएस का है या ये मोटियो का, मतलब आपके पास जो साउंड कार्ड रहेगा वही साउंड कार्ड का नाम यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं सेटिंग्स, हार्ड और रफर साइज। रिकॉर्डिंग करते वक्त ये हार्ड और रफर साइज आपको थोड़ा सा कम रखना होगा, नहीं तो क्या होगा। इसमें देखिए बहुत सारे सैंपल आपको मिल जाएगा यहाँ पर, 32, 64, 128, उसके बाद 256, उसके बाद 512 एंड 1024 सैंपल्स। लेकिन मैं आपको कहूँगा कि जब आप रिकॉर्डिंग करेंगे उस टाइम आपका जो सैंपल साइज है वो 120 रखिए, और जब आप रिकॉर्डिंग करने के बाद जब मिक्सिंग करेंगे तो उस टाइम आपको 1024 सैंपल्स यहाँ पे चेक करके रखना पड़ेगा। तो फिलहाल अभी हमको रिकॉर्डिंग करना है इसलिए 128 सैंपल्स को लेते हैं हम, और बाकी जो जैसे हैं ये सब ऐसे रख दीजिएगा। जो कैश फाइल का जो साइज है ये आप हो सकता है 1 GB करिए या 2 GB कीजिए, मतलब आपका हार्ड ड्राइव में जो साइज है उसी हिसाब से आप कीजिएगा। और यहाँ पे देखिए बहुत सारे मतलब आपको साइजेस मिलेंगे, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दी जाएगी, लेकिन ये डिपेंड करता है आपका रैम कितना है उसके ऊपर और हार्ड ड्राइव कितना है उसके ऊपर, ठीक है। तो आप अगर आपका हार्ड ड्राइव में ज़्यादा जगह नहीं है तो आप 1 GB भी कर सकते हैं, लेकिन जितना आप ज़्यादा करेंगे कैश फाइल उतना ही ज़्यादा मतलब फ्रीली वहाँ पे घूम सकेगा। इसलिए आपका हैसियत से 2 GB या 3 GB मैक्सिमम 4 GB तक भी आप रख सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद आप ओके कर दीजिए। अभी क्या करेंगे, अभी आपको कमांड दबाना है। प्रोजेक्ट को पहले बनाने के लिए आपको एक कमांड दबाना पड़ेगा, तो कंट्रोल एन दबाने से नया प्रोजेक्ट बनता है। और यहाँ पे आपको एक पॉपअप विंडो आएगा और यहाँ पे आपको नाम डालना पड़ेगा। मान लीजिए सॉन्ग ए ऐसा कुछ आपने अगर सोचा है तो सॉन्ग ए ऐसा कुछ आप नाम दे सकते हैं, लेकिन कोई भी नाम आप दे सकते हैं, क्लाइंट का नाम भी दे सकते हैं या गाना का नाम भी आप दे सकते हैं। देने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन देगा कि लोकल स्टोरेज में आप सेव करना चाहेंगे या किसी के साथ कोलाबोरेशन करना चाहेंगे जो मतलब आई क्लाउड के जरिए होता है, और एक क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट, मतलब आपके पास जो टेम्पलेट है उसके ज़रिए कुछ क्रिएट करना चाहते हैं कि नहीं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम टाइम अपना जो सेशन होते हैं उसी सेशन का जो टेम्पलेट होते हैं उसी टेम्पलेट के हिसाब से हम लोग वहाँ पे प्रोजेक्ट को बनाते हैं। तो इसीलिए इन तीनों में से सिर्फ ऊपर का ही आप चूज़ कीजिए, आपको लोकल ड्राइव में स्टे उसका सेव होगा आप जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं, इसीलिए लोकल स्टोरेज ये चेक कीजिएगा। उसके बाद आइए यहाँ पे देखिए क्रिएट रिसेंट डन प्रोजेक्ट। आपको अगर नया क्रिएट जब कर रहे हो, क्योंकि हम अभी हम लोग क्या कर रहे हैं नया प्रोजेक्ट को क्रिएट कर रहे हैं, इसीलिए क्रिएट पे जाएंगे और इसके बाद ऐसा ऐसा सब पॉपअप विंडो आएगा। नीचे देखिए क्या है, फाइल टाइप, ये वेब फाइल है, फाइल टाइप उसमें रखिएगा। सैम्पल रेट जो जैसे है 48 kHz, ये हमारा मिक्सिंग काउंसिल के साथ ऑलरेडी सिंक है, इसीलिए यहाँ पे आपको ग्रे जैसा दिखा रहा है, लेकिन आपके पास अगर साउंड कट रहेगा तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। ये नीचे का जो पॉपअप विंडो आपको मिल रहा है ये पॉपअप विंडो में आपको कुछ चीज़ें नज़र रखनी पड़ेगी, जैसे कि वेब फाइल आपको रखना होगा, उसके साथ साथ सैम्पल रेट 48 kHz रखना पड़ेगा, क्योंकि मिनिमम सैम्पल रेट 48 रखेंगे तो आपको क्वालिटी अच्छा रहेगा। उसके बाद बिट डेथ, ये 32 bit फ्लोटिंग रेट हमने रखा है, लेकिन आपके पास और भी ऑप्शन है 16 bit या 24 bit। 24 bit अगर सिलेक्ट करेंगे तो आपको प्रोजेक्शन बहुत अच्छा मतलब क्वालिटी मिलेगा, और 32 bit अगर फ्लोट आप लेंगे तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन कब 24 लेना है कब 32 लेना है हम लोग बाद में बताएंगे। फिलहाल अभी जो है 24 बिट में आपको काम करना है। और आईओ सेटिंग्स, इसे कहते हैं इनपुट एंड आउटपुट सेटिंग्स, जो आपका आईओ सेटिंग्स जो आपने सेट किया रखा है प्रोटूल्स के अंदर और आपका साउंड कार्ड के साथ जो ये उसका जो संबंध है, इनपुट एंड आउटपुट ये दोनों का मिला के
ये आयो सेटिंग्स को मतलब कहा जाता है कि इनपुट एंड आउटपुट सेटिंग्स क्या क्या है, ये आपने लास्ट यूज्ड इसको रखिएगा, इसको छेड़ने का कोई ज़रूरत ही नहीं। इसके बाद इंटरलिप्ड दिखाया है यहाँ पे, इंटरलिप्ड स्टूडियो फाइल हो या मोनोफाइल, लेकिन इंटरफिलिप्ड मतलब स्टूडियो फाइल के हिसाब से आप कोई भी फाइल को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। ये है आपका प्रॉम्प्ट और लोकेशन, कौन सा जगह में आप रखेंगे, उसके बाद आपको आना ही पड़ेगा। आप चाहते हैं कि ये लोकेशन डेस्कटॉप में आपको रखना है, तो आपको लोकेशन क्लिक करना है और यहाँ जाके आपको डेस्कटॉप सेलेक्ट करना है, यूज करेंट फोल्डर। तो उसके बाद आपको यहाँ पे कंफर्म करना पड़ेगा कि यूज करेंट फोल्डर, दैट मीन्स द फोल्डर क्या था, डेस्कटॉप, यूज करेंट फोल्डर कर दीजिएगा। ठीक है, तो जैसे आप करेंट फोल्डर कर दीजिएगा उसी बाद आपको लोकेशन पाथ वो दिखाएगा, देखिए डेस्कटॉप लास्ट अवेल। अभी क्रिएट कर दीजिए, जैसे क्रिएट करेंगे तो एक विंडो हमारे सामने आ जाएगा। तो ये है एडिट विंडो, इसके पीछे देखिएगा है मिक्स विंडो। अभी तक कोई ट्रैक हमने लिया नहीं, इसीलिए यहाँ पे कोई मिक्स विंडो में कोई मिक्सर वगैरह कुछ आया ही नहीं। लेकिन अगर आपको चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका प्रोजेक्ट में, अगर आप चाहते हैं आपका प्रोजेक्ट में कम से कम 8 मोनो ट्रैक होना चाहिए या 6 मोनो ट्रैक होना चाहिए और 2 स्टूडियो ट्रैक होना चाहिए, तो आप कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आपको मान लीजिए 2 मोनो ट्रैक चाहिए, तो कैसे करेंगे आप, शिफ्ट कंट्रोल एन दबाइए, क्रिएट नंबर ऑफ 2 मोनो ट्रैक चाहिए, ऑडियो ट्रैक चाहिए आपको, तो 2 मोनो ऑडियो ट्रैक, और नेम भी ऐसे रहेगा, ऑडियो के हिसाब से रहेगा। आप चाहे इसको चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन ये बाद में आप चेंज कर सकते हैं, अभी भी आप चेंज कर सकते हैं, बाद में भी आप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आपको लेना है मान लीजिए 2 काउंट स्टीरियो ऑडियो ट्रैक, मतलब कीबोर्ड ऑक्टोबट के लिए स्टीरियो इनपुट लेना है तो ले सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको लेना है एक स्टीरियो मास्टर फेडर, जिसके जरिए हम लोग मास्टर फेडर को नापेंगे। जब आपके हिसाब काम हो जाएगा तो आप उसके बाद क्रिएट दबा दीजिए। तो देखिए आप जैसे क्रिएट दबाएंगे ऑटोमेटिकली ऑडियो 1, ऑडियो 2, ऑडियो 3, ऑडियो 4 ये आपके सामने आ गया और एक मास्टर आ गया। अब जाके मिक्स विंडो में जाके देखिए, यहाँ पे भी आपको ऑडियो 1, ऑडियो 2, ऑडियो 3, ऑडियो 4 मिला है और साथ में एक मास्टर फेडर भी आपको मिला है। अभी सबके सब सफ़ेद है, इसके मतलब सबके सब सिलेक्टेड है। आप कोई भी मतलब एक ट्रैक को और दबा के क्लिक कीजिए तो सब कुछ डिसलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप जिस ट्रैक को लेकर काम करेंगे उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ना भी कर सकते, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपके पास यहाँ पे जो है, मैंने ओरिएंटेशन में आपको दिखाया था कि ये जो बटन्स हैं इसका काम तो आपको पता ही है, इसका काम के कारण ये ऑटोमेटिकली जहाँ जहाँ पर आप क्लिक करेंगे वो ऑटोमेटिकली सफ़ेद हो जाएगा। देखिए मैं 3 नंबर ट्रैक में सिलेक्ट कर रहा हूँ, 3 नंबर सिलेक्ट हो गया, 4 नंबर पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो 4 नंबर सिलेक्ट हो गया, 1 नंबर पे क्लिक कर रहा हूँ तो 1 नंबर ट्रैक सिलेक्ट हो गया। तो दोस्तों इस तरह से आप एक सेशन को रेडी कर सकते हैं। और याद रखिएगा कि आपको ये इनपुट 1, इनपुट 2, इनपुट 3 जैसे है, अगर आप इनपुट 1, इनपुट 2 जो है आपका जो आईओ सेटअप है, मतलब जहाँ भी यहाँ पे सेटअप में जाके आईओ में जाइएगा, इनपुट एंड आउटपुट, आपके पास जो साउंड कार्ड है उसी के हिसाब से यहाँ पे इनपुट दिखाएगा। हमारे पास 64 इनपुट है इसीलिए 64 चैनल दिखा रहे हैं, लेकिन आपके पास अगर 8 है, 16 है, 2 है, 4 है, कुछ भी जो है सब उतने आपको दिखाएगा यहाँ पे, और उसी के हिसाब से आपको यहाँ पे सेट करना है। जो मॉनिटर पाथ है उसको रखिएगा चैनल नंबर 1 एंड 2, जो ऑडिशन पाथ है उसको भी चैनल नंबर 1 एंड 2 रखिएगा, और आउटपुट पाथ जो है, आउटपुट मीटर पाथ जो है उसको 1 to 8 में, अगर आपके पास 1 to 8 आउट है तो रख सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, इसको नान भी कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जैसे आपको ये सब सिलेक्ट हो जाएगा आप ओके कर दीजिए, इसे कहते हैं आईओ सेटअप। तो आईओ सेटअप जब आप सेटअप कर लिया है, इसका मतलब आपका एक नंबर चैनल पे अगर कोई माइक लगा हुआ है या कोई इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है तो एक नंबर चैनल पे आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास 3 नंबर चैनल में या 4 नंबर चैनल पे आपके पास कुछ इंस्ट्रूमेंट है, आप रिकॉर्ड कर रहे हो, तो 3 नंबर पर यहाँ पर सिलेक्ट कीजिएगा, इनपुट 3 हो गया। ये 3 नंबर इनपुट से आप एक नंबर जो ऑडियो है इसमें, लेकिन इस ट्रैक में आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इस तरह से जैसे जैसे रिकॉर्डिंग करेंगे तो यहाँ पे आपको शो करेगा, यहाँ पे शो करेगा। तो इस तरह से आपका जो प्रोजेक्ट आपने बनाया है उसको आप मतलब इस पर आप काम कर सकते हैं और उसको सेव कर सकते हैं। ऑब्वियसली याद से आपको कंट्रोल इस दबा के उसको सेव करना पड़ेगा, अगर सेव नहीं किया तो ये प्रोजेक्ट नहीं रहेगा क्लोज करने के बाद। तो दोस्तों ये था हमारा जो वीडियो, तो हाउ टू क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। मिलते हैं दूसरा वीडियो पे।